देश की दलित हाथरस जिले की बेटी के कातिलों को फांसी दो, निकाला कैंडल मार्च, सरकार के कानून पर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के सरदार नगर अटरिया गांव में आज समाज सेवी नईम अहमद ने हाथरस 19 वर्षीय युवती के साथ घिनौनी वारदात को लेकर आरोपियों के खिलाफ हाथरस जिले के प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही कर आरोपितों को हिरासत में लेकर उन्हें फांसी देने को लेकर एक युवा पीढ़ी के साथ समाज सेवी ने कैंडल मार्च रात्रि के समय निकाला और केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विरुद्ध आंखों पर बांधी पट्टी के खिलाफ कैंडल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की और हाथरस जिले के प्रशासन ने जो रात्रि के समय बिना परिजनों के मृतका के शव को अंतिम संस्कार कर दिया उस पर भी रोष जताते हुए समाज सेवी नईम अहमद ने कहा, ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाए और उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। जिसके चलते समाज सेवी नईम अहमद ने यह भी कहा कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को बढ़ता देख महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी घिनौनी वारदात पर रोक लगनी चाहिए। मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन, आज जो आपने कैंडल मार्च निकाला है किस लिए निकाला है? हमने इसलिए निकाला है, दलित समाज की लड़की है जिसका नाम मनीषा है था, ठीक है, उसके साथ चार ठाकुर के लड़कों ने उसके साथ रैप किया और ये वाकया है हाथरस जिले का। उसके साथ रैप करने के बाद उसको जबान काटा और उसके रेल की हड्डी तोड़ी, ठीक है। फिर पुलिस ने एक किया, हमारी पुलिस प्रशासन ने उसको कहीं ले जा के बिना सूचना दिए, परिवार को बिना सूचना दिए उसका मतलब अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया। अब इसमें हमारी सरकार जो है स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार लापरवाही कर रही है। हम इस योगी सरकार से और मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लें और एक्शन नहीं लेंगे तो हम उनके खिलाफ़ हैं और खिलाफ ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको फांसी हो। कहाँ मार्च निकाला है? हमने निकाला यह सरदार नगर अटरिया में। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि वहाँ प्रशासन ने तानाशाही की है, रात में बच्ची के सबको सपुर्द कर दिया गया है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? हम प्रशासन के खिलाफ, हम प्रशासन के भी खिलाफ हैं, ऐसे प्रशासन के खिलाफ हैं। उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं वो लोग इस्तीफा दें जो लोग वहाँ मौजूद थे प्रशासन के। कितने साल की बच्ची थी वो? 19 साल की बच्ची थी। मनीषा नाम की लड़की थी जो दलित थी, उसका ठाकुरों ने बेरहमी से पहले रेप किया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, फिर उसकी जुबान काटी, कल उसकी डेथ हो गई। हम उसके खिलाफ और फिर उसको बिना परिवार को बताए पुलिस ने उसकी लाश को जंगल में ले जाके जला दिया। हम इसलिए इस सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हमने निकाला है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के खिलाफ? इस सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जिसने भी ये किया है उन्हें फांसी हो। किसी की गिरफ्तारी हुई है, कोई जानकारी है? अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है, नाम उन्होंने निकाले हैं, अभी ठीक से नहीं पता कौन क्या है। जो भी है सही वाले लोग पकड़े जाएं और उनको फांसी हो, सिर्फ फांसी। और महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी जाए। ये दिन ब दिन रेप बहुत बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज आपने ब्लैक मार्च निकाला है और कहाँ निकाला है कैंडल मार्च? ये हमने सरदार नगर अटरिया को लिया है आज यहाँ पे, इसलिए निकालने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ पे आसपास में जो दलित लोग हमारे रहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मुसलमान उनके साथ हैं। मुसलमानों पे हमेशा उंगली उठाई जाती है कि हम सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम किसी के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन मुसलमान हमेशा सबके साथ खड़े होते हैं, ये मेरा उनको मैसेज है। अच्छा, जिस तरीके से एक ये घिनौनी हरकत हाथरस जिले से सामने आई है, उस बच्ची के परिवार से क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम? उस परिवार से मैं यही कहना चाहूँगा, आप अल्लाह ताला उनको सब्र दे और इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे वो भी, तो हम उनके साथ खड़े हैं।